गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित फ्रॉम अप्लाई साइड डिपार्टमेंट, वर्किंग इन RPIT कॉलेज कैंपस कर्नाड। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था बेसिक प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था एक्सपेरिमेंट के बाद हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस कर लिया था, सैम्पल स्पेस हमने डिस्कस कर लिया था, सैम्पल पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। सैंपल पॉइंट क्या था, जो मेरे पास सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उस सभी को हम क्या बोलेंगे, सैंपल पॉइंट बोलेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस करा था इवेंट क्या था, इवेंट एक सबसेट था किसका, सैंपल स्पेस का। और सैंपल स्पेस हमारे पास क्या था, जो मेरे पास आउटकम्स मुझे मिली थी किसे रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अगर उसको अगर हम एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं या उसका अगर हम सेट बना देते हैं तो उसको बोलेंगे हम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का ही एक सेट लिया मैंने के अंदर से ही लिया, सैंपल स्पेस के अंदर से मैंने एक सेट बनाया तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। किसका, सैंपल स्पेस का। उसी सबसेट को हम क्या बोलेंगे, इवेंट। जैसे अगर मेरे पास एक डाई को मैंने थ्रो करा, एक डाई को अगर मैं थ्रो करता हूँ तो मेरे पास जो आउटकम्स मिलेगी क्या मिलेगी, 1 मिल सकती है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल S से। उसके बाद मैं एक सेट लिया मैंने किसे, सैंपल स्पेस से, किसका लिया, ओड नंबर का, 1, 3 एंड 5। तो इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे किसका, सिंपल स्पेस। और सिंपल स्पेस के सबसेट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इवेंट। सबसे पहले आता है मेरे पास इम्पॉसिबल इवेंट या नल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, जो फाई होता है मेरे पास क्या होता है, हर एक सेट का क्या होता है सबसेट होता है। अगर मेरे पास फाई इज आल्सो ए सबसेट ऑफ एस, है ना, अभी हमने क्या बोला, जो फाई है वो क्या है, हर एक सेट का क्या सबसेट है। तो फाई मेरे पास किसका सबसेट होगा, एस का सबसेट होगा। और एस क्या, मेरे पास सैंपल स्पेस है, तो फाई क्या हो गया, एक सबसेट हो गया किसका, सैंपल स्पेस को। इसी फाई को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट या नल इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट क्या होगा, श्योर इवेंट में मेरे पास क्या होगा, कोई भी सेट अपने एक खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो अगर मेरे पास एस मेरे पास एक सेट है किसका, सैंपल स्पेस का, अगर मेरे पास एक सेट एस है तो वो मेरे पास एस आल्सो क्या होगा, एक सबसेट होगा किसका, एस का। वो मेरे पास क्या होगा, एस का भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो देखो, अगर मेरे पास एक सेट लिया मैंने हेड और टेल, एक सेट लिया मैंने, एक या सेट नहीं, एक सबसेट लिया मैंने हेड टेल, क्या ई मेरे पास एक सबसेट है एस का, यस, क्योंकि सारे एलिमेंट मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं, एस से आ रहे हैं। अगर सारे एलिमेंट मेरे पास एस से आ रहे तो हम लिख सकते हैं ई एक सबसेट है किसका, एस का। तो ई के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो मेरे पास क्या है, सैंपल स्पेस के अंदर भी हैं, तो एस किसका सबसेट हो गया, सैंपल स्पेस का। अगर मेरे पास एस सैंपल स्पेस का क्या होगा, सबसेट हो गया, तो एस को हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। तो याद रखो, कोई भी सेट अपने खुद का भी एक क्या होता है, सबसेट होता है। थैंक यू।